हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज कितना डेट है? टेन है। ओके, चलिए, आज टेन है। सिंपलीफाई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके? चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि उसमें जो भी ब्रैकेट दिया रहता है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग काम करते हैं। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं बोर्ड मास जानते हैं, बहुत बार बताए हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर और, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सबट्रैक्ट। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, जो भी ब्रैकेट है, और उस ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट का, तब मिडिल ब्रैकेट का, और तो लार्ज ब्रैकेट का। तुझे याद ना मेरी है किसी से अब क्या कहना, मैं बहुत दिन से इसका इंतजार कर रही थी, आज ये सिंपलीफाई आ गए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, जहां पे भी रहता है तो स्मॉल ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, बाकी को एज यूजुअल छोड़ देते हैं। जैसे घर में मम्मी, हाँ, उसको उतारते हैं। जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है तो जानती है कि पापा पांच खाते तो उनके लिए पांच, अगर कभी गलती से छह मांग लिए तो आप तो पांच ही खाते थे, क्या बात है जो आज छह मांग, ठीक है? तो वैसे होता है, जो हमारी जैसी जो होंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा होता है। हाँ, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे और बाकी को एज यूजुअल उतार दिया जाता है वैसे ही। तो आ जाते हैं लार्ज ब्रैकेट प्लस टू थ्री, मिडिल ब्रैकेट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, और अब इसका काम करेंगे। तो इसमें भी ध्यान ये देंगे हम लोग, हमेशा बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें भी पहले देखिए डिवाइड है ना, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, ये नहीं कि ऐड कर लेंगे, नहीं, वो बेसिस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड करेंगे ये दोनों का, फाइव को डिवाइड फाइव से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, तो प्लस वन लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट इंटू सिक्स, बी पोलाइट प्लस सेवन मिडिल ब्रैकेट प्लस थ्री लार्ज ब्रैकेट और प्लस टू। ओके, फिर इसको करेंगे टू प्लस थ्री, फिर स्मॉल ब्रैकेट के पास आ जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही चीज करना है, डिफरेंट रहता है तो उसको सोच कर करते हैं। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, और आपको एक बात पता होता है, जब ये ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन छिपा होता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे, तो टू प्लस सिक्स एट और प्लस वन नाइन, स्मॉल ब्रैकेट आउट, क्वेश्चन से चला गया, आ गया इंटू सिक्स प्लस सेवन मिडिल ब्रैकेट प्लस थ्री और प्लस टू। ओके, अब हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का खत्म हो गया तो मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो मल्टीप्लाई तब एड तब सब्ट्रैक्ट, ऑलवेज हम लोग बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग ही चलना है, जब भी करना है बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग। आ जाते हैं लार्ज ब्रैकेट टू प्लस थ्री हो गया, आप डिवाइड कर दीजिए, थ्री टू जा सिक्स, मतलब टू इंटू नाइन इंटू सिक्स प्लस सेवन ब्रैकेट प्लस थ्री ब्रैकेट प्लस टू। ओके, अब देखिए इन तीनों में मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड करेंगे, समझ रहे हैं ना? Yes, हाँ, ओके, मिडिल ब्रैकेट टू प्लस थ्री, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 और प्लस 7, ओके, प्लस 3 और प्लस 2, ठीक है? ओके, फिर आ जाते हैं, अभी दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 3। देखो बाबू, जब ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं रहता है ना तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है। ओके, अभी दोनों को जोड़ देंगे, 108 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115। कैसे 115 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 2, ये ब्रैकेट आउट हो गया, 108 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ओके, अब आ गया लार्ज ब्रैकेट, अब हम लोग लार्ज ब्रैकेट
डिवाइड रहता तो डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई, ऐड तो ऐड, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करते। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट, सॉरी लार्ज ब्रैकेट, 2 प्लस 115 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 345 प्लस 3 लार्ज ब्रैकेट प्लस 2, ओके। अब इन तीनों को देखिए, एक साइन है जोर, ऐड का साइन है, तो जोर देंगे ना सबको, 3 एड टू 5, और इसको जोर देंगे तो कितना हो जाएगा? 350 एक मिनट देखो, 345 ये 3 एड टू 5 तो कितना होगा? 450 होगा। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, एक मिनट हल्ला नहीं। 4 और 1 5, ओके 350 और ये ब्रैकेट आउट हो गया प्लस 2, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 352 आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड मास जानी है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट पे आ जाते हैं, ओके। बाकी को एज यूजुअल वैसे ही उतारेंगे, तो 6 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड 3, 2 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड 3। अब आगे स्मॉल ब्रैकेट के पास, ओके। स्मॉल ब्रैकेट में भी आप देख रहे हैं, पहले डिवाइड है तो हम लोग पहले डिवाइड का काम कर ले, ओके। 3 1 1, ओके। 3 1 3 होता है, 1 नहीं होता है बाय द वे। +2 और +3, ओके। फिर 6 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड 3, 2 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड 3। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ का ही साइन, अगर डिफरेंट साइन रहता तो उसका काम करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन की बार होता है, मल्टीप्लाई दे देंगे। सबको जोड़ दीजिए, 6 प्लस 3 9 9 2 11 1 12 12 प्लस 2, मिडिल ब्रैकेट प्लस 3 और लार्ज ब्रैकेट, ओके। फिर हम लोग आएंगे यहाँ। अब देखो, स्मॉल ब्रैकेट का हमने काम खत्म कर दिया था, अब मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। हमने ऑलरेडी 2 लिख दिया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, अब हम आते हैं मिडिल ब्रैकेट, ओके। 2 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइड 3। मिडिल ब्रैकेट में भी आप देख रहे हैं कि डिवाइड है, तो पहले हम लोग डिवाइड ही करेंगे, ओके। सबको वैसे ही उतार देंगे, तो 3 1 3, ओके, इंटू 12 प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 6 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 6 प्लस 12, अब +2, क्योंकि 12 1 12 ही होता है ना, क्लियर है। 6 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड 3, आप सब जोड़ दो, सबको जोड़ दो, इंटू का साइन, है ना, इंटू का साइन दे देते हैं, सबको जोड़ दो, 2 6 8 8 12 20 22 22 प्लस 13 और लार्ज ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट को खत्म। ये ओके। अब आते हैं लार्ज ब्रैकेट का, अब लार्ज ब्रैकेट का काम, ठीक है। 6 प्लस 0, अब देखिए इसमें डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 इंटू 22 और प्लस 3, ओके। 6 प्लस 0, अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, ओके। अब ऐड है तो ऐड कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 प्लस 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, ओके। अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 8 8 6 14 6 1 7 74, ठीक है, ओके। अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 6 प्लस 0 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ओके।
ओके फाइन ठीक है बन गया। चलिए नेक्स्ट।